नहीं, जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के दल हैं जो जुड़े हुए हैं उससे सभी को अपने अपने पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगने का हक है और कहना चाहिए। लेकिन सभी नेता, सभी दल जो इंडिया गठबंधन के हैं वो बैठ करके निर्णय लेंगे और वही निर्णय सर्वमान्य होगा। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार के सियासत में इन दिनों ठाकुर शब्द को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ राजद के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर के ऊपर जिस तरीके से बयान दिया है उसको लेकर उनके ही दल में टूट पड़ गई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ उनके बेटे चितन आनंद ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर अब बिहार के अंदर सियासत गर्म है। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका व्यक्तिगत बात हो सकती है लेकिन हमारा इस पर कुछ कहना नहीं है। वहीं आगे बीजेपी द्वारा किए गए सवाल पर कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से पूरी तरीके से डर गई है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि सब पार्टी की अपनी अपनी राय है, सब लोग चाहेंगे कि हमको बहुत अच्छा सीट मिले लेकिन आने वाले समय में मिलजुल कर मामला पर बात बन जाएगी। नहीं, जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के दल हैं जो जुड़े हुए हैं उससे सभी को अपने अपने पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगने का हक है और कहना चाहिए। लेकिन सभी नेता, सभी दल जो इंडिया गठबंधन के हैं वो बैठ करके निर्णय लेंगे और वही निर्णय सर्वमान्य होगा। उस मामले में हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्या राय है? नहीं, कोई राय नहीं उसमें। इससे इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं, इससे इंडिया गठबंधन का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बहुत उसका कोई बहुत मतलब तो ठीक है ना। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये तो उन लोग का अपना अपना ना, ठीक है ना, ये इसमें हम लोग बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये उन लोगों का अपना बात है, अपना करने दीजिए। हाँ, हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी ने जो टैक्स हम लोग को सौंपा है और जो हम लोग का गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम लोग पूरे प्रदेश में लगातार 24 जनवरी के पहले तक जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जनसंवाद कार्यक्रम अभी हम लोग का प्रत्येक विधानसभा में चल रहा है और उसमें हम लोग जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए काम है उनको भी हम लोग बता रहे हैं, जो केंद्र सरकार ने जो वादा किया जिसको पूरा नहीं किया और अब तक उन्होंने जो किसी भी स्तर पर सफल नहीं रहे उसके बारे में भी हम लोग को बता रहे हैं। लोग का समर्थन मिल रहा है और हम लोग जानते हैं इतना कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसके माध्यम से जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो सफल होगा और देश से भाजपा मुक्त होगा। जो बयान दिया गया, नहीं लग रहा है कि आनंद मोहन जी नाराज चल रहे हैं, ये कहां से आप जो है बता रहे हैं? हम लोग को ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है, वो पूरी तरह से एकजुट हैं और पूरा समर्थन में काम कर रहे हैं। बाप बेटा मनोज झा के खिलाफ, ये व्यक्तिगत बयान है और इस पर जो है गठबंधन का इससे कोई बहुत उनको ना नाराजगी है और ना ही कोई बहुत इसका मतलब है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे लोग अपनी बात रख रहे हैं और रखना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत बता रहे हैं, राजद ट्विटर पर, फेसबुक पर साफ तौर पर लिख रही है शानदार जानदार और बयान को बाखूबी डाला है। ठीक है, सबको अपने अपने बात रखने का जो है तरीका है और इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।